ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। सो आज का टॉपिक है कंपनी फॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा, हाउ टू कंपनी फॉर्मेशन इन जाम्बिया। जाम्बिया इन अफ्रीका, एक सदर्न अफ्रीकन कंट्री है जाम्बिया। जाम्बिया में कैसे आप कंपनी फॉर्मेशन करोगे उस बारे में आपको मैं डिटेल्स में बताऊँगा इस वीडियो में। जाम्बिया एक सदर्न अफ्रीकन कंट्री है, साउथ अफ्रीका के पास नज़दीक के कंट्री है। जाम्बिया एक लैंडलॉक कंट्री है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। कंट्री का इस देश का राजधानी का नाम है लुसाका, ठीक है। तो इस कंट्री में, इस देश में अगर आप बिजनेस करना चाहोगे तो इस कंट्री में, इस देश में आपको पहले कंपनी को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आप कंपनी को रन कर सकते हो, कंपनी बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हो। इस देश के बारे में, जाम्बिया के बारे में अगर आपको ज़्यादा को जानना चाहते हो तो हमारे पुराने वाले वीडियो हाउ टू एक्सपोर्ट टू जाम्बिया, मैंने पहले एक वीडियो बना चुका हूँ। हमारे पुराने वाले वीडियो हाउ टू एक्सपोर्ट टू जाम्बिया में आप देख सकते हैं। उस वीडियो में मैं काफ़ी डिटेल्स में जाम्बिया के बारे में बता चुका हूँ, हाउ टू एक्सपोर्ट टू जाम्बिया, कैसे आप जाम्बिया को एक्सपोर्ट करोगे, जाम्बिया का लोकेशन के बारे में, जाम्बिया का पॉपुलेशन, जाम्बिया का लैंग्वेज, जाम्बिया का करेंसी, जाम्बिया क्या एक्सपोर्ट करता है, क्या इंपोर्ट करता है, भारत का एक्सपोर्टर्स क्या क्या प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं जाम्बिया को, और जाम्बिया से कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, पूरी डिटेल्स में उस वीडियो में बता चुका हूँ। अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए या आप एक एक्सपोर्टर हो, जाम्बिया के बारे में जानना चाहते हो कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे टू जाम्बिया, आप मेरे पहले वाली वीडियो, पुराने वीडियो हाउ टू एक्सपोर्ट टू जाम्बिया देख सकते हैं। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हाउ टू एक्सपोर्ट टू जाम्बिया का लिंक मैं ऐड कर दूंगा, आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए, और हाउ टू एक्सपोर्ट टू जाम्बिया का लिंक में क्लिक करके वो पुराने वाले वीडियो देखकर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी जाम्बिया के बारे में, ठीक है। और अगर यूट्यूब में सर्च करना चाहते हैं, यूट्यूब का सर्च बार में लिखिए, टाइप करिए हाउ टू एक्सपोर्ट टू जाम्बिया ट्यूबरोज कॉरपोरेशन, हमारे पुराने वाले वीडियो आपको मिल जाएगी। तो अभी आइए मैं आपको बताऊंगा जाम्बिया में कैसे कंपनी फॉर्मेशन करोगे, क्या प्रोसीजर है, हाउ टू कंपनी फॉर्मेशन इन जाम्बिया। जाम्बिया जैसे बता दिया लुसाका उसका राजधानी है, लुसाका इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। तो अगर आप विजिट करोगे इस कंट्री में ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, लोगों को इंग्लिश आता है, वाइडली इंग्लिश इज स्पोकन, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा किस टाइप का, कितने टाइप का कंपनी वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होती है। चार टाइप का कंपनी रजिस्ट्रेशन होता है। पहला आता है आपका LLC कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। सेकंड में आएगा PLC कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। थर्ड में आएगा ब्रांच ऑफिस, एंड फोर्थ में आएगा आपका रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस RO। तो LLC कंपनी क्या है, LLC कंपनी होता है लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इस कंपनी अगर बनाना चाहोगे तो आपको मिनिमम दो डायरेक्टर चाहिए, यानी दो प्रमोटर यानी दो डायरेक्टर मिलकर एक कंपनी बना सकते हैं, ठीक है। तो दो डायरेक्टर यानी प्रमोटर हो सकते हैं, आप जाम्बिया का कोई पार्टनरशिप को ले सकते हैं, पार्टनर ले सकते हैं, या 100% फॉरेनर 100% ओन्ड कंपनी बना सकते हैं। या उसका मतलब है अगर आप जाम्बियन पार्टनर को, सिटीजन को पार्टनर में रखना नहीं चाहते तो आप 100% फॉरेनर होकर एक कंपनी बना सकते हैं, लेकिन मिनिमम दो डायरेक्टर चाहिए, ठीक है। लेकिन इस कंपनी बनने के बाद आपको एक जाम्बियन नेशनल को, जाम्बिया का कोई सिटीजन को, या जाम्बिया में कोई रहने वाला फॉरेनर जिसके पास जाम्बिया का रेसिडेंसी वीज़ा हो, उसको आपको कंट्री मैनेजर, डायरेक्टर या मैनेजर रखना पड़ेगा इन योर कंपनी इन जाम्बिया, ठीक है। तो इस कंपनी बनाने के लिए पेड अप कैपिटल रहेगा $1,000, $1,000 आपके पास होना चाहिए कंपनी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। इस पैसे को जाम्बिया का जो कंपनी बनेगी उसका जो बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा, बैंक आपको इशू करेगा सर्टिफिकेट कि पैसा आपका आ गया है, पैसा डिपॉजिट है, फिर इस कंपनी को LLC कंपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। दो डायरेक्टर दो प्रमोटर अगर आप जाना नहीं चाहते हो फिलहाल जाम्बिया, तो आपको पावर ऑफ अटॉर्नी देना पड़ेगा टू योर लॉयर इन जाम्बिया, तो लॉ फर्म आपके बिहाफ में कंपनी रजिस्ट्रेशन कर देगी। इसके लिए आपको ऑफिस या दुकान या वेयर हाउस 1 ईयर का लीज में लेना पड़ेगा, रेंट में लेना पड़ेगा, लीज का एग्रीमेंट चाहिए, उस एड्रेस में कंपनी बन जाएगी, मिनिमम 1 महीने के अंदर कंपनी बन जाएगी LLC कंपनी। और इस कंपनी बनने के बाद आपका जो प्रॉफिट, ईयरली प्रॉफिट आएगा, उसको 35% कॉरपोरेट टैक्स देना पड़ेगा टू द गवर्नमेंट, ठीक है। और 16% वैट रहेगा। किस एनी टाइप ऑफ बिजनेस आप कर सकते हो इन LLC कंपनी। तो आपको मैं समझा दिया LLC कंपनी क्या है, डिटेल्स आपको समझा दिया। और सेकंड में आएगा PLC कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए मिनिमम
आपका तीन से लेकर चार प्रमोटर चाहिए इस कंपनी बनाने के लिए। और PLC कंपनी होता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। आप पब्लिक में आपका शेयर को सेल कर सकते हो, बेच सकते हो थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। उनके पास स्टॉक एक्सचेंज है ऑलरेडी, जाम्बिया में स्टॉक एक्सचेंज है। और PLC कंपनी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। मिनिमम तीन से लेकर चार डायरेक्टर शेयर होल्डर, तीन से चार लेकर चार प्रमोटर ये कंपनी बना सकते हो। आप जाम्बियन रेसिडेंट को, जाम्बियन सिटीजन को लेना पड़ेगा एज ए कंट्री मैनेजर, एज ए डायरेक्टर लेना पड़ेगा जो आपका कंपनी को देख रेख करेगा, ठीक है। और इधर आप जाम्बिया का कोई सिटीजन को ले सकते हो या जाम्बिया का रेसिडेंट, यानी कोई भी फॉरेनर जो जाम्बिया में रहता है उनके पास रेसिडेंसी वीज़ा है जाम्बिया का, वो आपका कंपनी का डायरेक्टर, कंट्री मैनेजर या मैनेजर बन के काम करेगा ऑन सैलरी बेसिस। ये कंपलसरी है इन जाम्बिया में बिजनेस ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। तो ये बन गया PLC। PLC कंपनी के लिए आपको $10,000 जो आपका रहेगा शेयर कैपिटल, $10,000 को आपका कंपनी का बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा, बैंक सर्टिफिकेट इशू करेगी। फिर उसके बाद कंपनी जो रजिस्ट्री, कंपनी रजिस्ट्री में आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन होगा, एक महीना से लेकर डेढ़ महीना दो महीने के अंदर कंपनी बन जाएगी। उसके बाद आप कंपनी को विद इन ए ईयर आपको लिस्ट करना पड़ेगा उनका जो स्टॉक एक्सचेंज में। और उनका एक अच्छा है जाम्बिया में, फर्स्ट ईयर जो है PLC कंपनी को 10% कॉर्पोरेट टैक्स है, सेकंड ईयर से 35% आपको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा बड़े कंपनी आके कंपनी रजिस्ट्रेशन करे, ऑपरेट करे इन जाम्बिया। एनी टाइप ऑफ कंपनी, एनी टाइप का ट्रेड आप कर सकते हो, बैंक या बड़े बड़े कंपनी होते हैं तो PLC कंपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इन जाम्बिया। 35% कॉर्पोरेट टैक्स है, 60% वैट है, ठीक है। इस टाइप का कंपनी बनाने के लिए आपको ऑफिस या दुकान वेयरहाउस लीज में लेना पड़ेगा। लीज में लेने के बाद लीज एग्रीमेंट में जो एड्रेस रहेगा कंपनी का, उस एड्रेस में कंपनी रजिस्ट्रेशन होगा, कॉर्पोरेट ऑफिस रजिस्ट्रेशन होगा, एक डेढ़ महीने के अंदर कंपनी बन जाएगी। तो मैं आपको बता दिया डिटेल्स PLC कंपनी क्या होता है। थर्ड में आपका आएगा ब्रांच ऑफिस। ब्रांच ऑफिस पेरेंट, अगर आपका पेरेंट कंपनी इंडिया में है, यानी आपका इंडिया या कोई भी कंट्री में आप लोकेटेड हो और आपका कंपनी का ब्रांच ऑफिस आप खोलना चाहते हो इन जाम्बिया, तो आप खोल सकते हैं। उसके लिए जीरो रहेगा आपका शेयर कैपिटल, जीरो रहेगा कंपनी के लिए। आपको ऑफिस लेना पड़ेगा, ऑफिस लीज में या लेना पड़ेगा, और ऑफिस दुकान लेना पड़ेगा। और आपको लोकल रेसिडेंट को या लोकल सिटीजन को एक मैनेजर के हिसाब से रखना पड़ेगा जो आपका कंपनी को देख रेख करेगा। 35% कॉर्पोरेट टैक्स रहेगा, 16% वैट रहेगा, ठीक है। और लास्ट में आएगा रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। ये भी सिमिलर प्रोसीजर है, अगर छोटा सा कंपनी बनाना चाहते हो आपका मार्केट रिसर्च के लिए, तो आप रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस जाम्बिया में खोल सकते हो। उसके लिए एक आदमी का, एक डायरेक्टर का ज़रूरत है, और आपको लोकल रेसिडेंट को या लोकल सिटीजन को जाम्बिया का लेना पड़ेगा एज ए मैनेजर ऑफ योर कंपनी। और लीज एग्रीमेंट करना पड़ेगा एक आपका ऑफिस या दुकान का, एक साल का। तो उस लीज एग्रीमेंट में आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन होगा, 35% आपका कॉर्पोरेट टैक्स रहेगा, 16% वाट रहेगा। तो चारों कंपनी जो बता दिया, चारों कंपनी बनाने के बाद ये कंपलसरी है इन जाम्बिया आपको लोकल सिटीजन को या लोकल रेसिडेंट को लेना पड़ेगा एज ए मैनेजर ऑफ योर कंपनी, एज ए डायरेक्टर ऑफ योर कंपनी ऑन सैलरी बेसिस, ये कंपलसरी है। तो ये विदाउट रेसिडेंट ऑफ जाम्बिया, विदाउट सिटीजन ऑफ जाम्बिया, जिसको आपको सैलरी बेसिस में डायरेक्टर या मैनेजर में रखोगे, नहीं रखोगे तो आपको नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत कंपलसरी है। लोकल रेसिडेंट को या लोकल सिटीजन को लेना पड़ेगा एज ए मैनेजर ऑफ योर कंपनी, एज ए डायरेक्टर ऑफ योर कंपनी। रेसिडेंट होता है कोई भी नेशनैलिटी, कोई भी सिटीजन जाम्बिया में रहता है और उसके पास रेसिडेंसी वीज़ा है तो उसको भी ले सकते हो, कम पैसा में आ सकता है। या जाम्बियन सिटीजन जो जाम्बिया का लोग है, वहाँ का लोगों को, एक आदमी को आप रख सकते हैं आपका कंपनी का एज ए कंट्री मैनेजर डायरेक्टर, ठीक है। ब्रांच ऑफिस एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस के लिए आप लोकल लोगों को हायर करके मार्केटिंग रिसर्च कर सकते हैं, और जो आपको मार्केटिंग करने के बाद जो ऑर्डर मिलेगा फिर आप उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सेल सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और चारों कंपनी के लिए PLC कंपनी को छोड़ के LLC कंपनी एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिस के लिए आपको $1,000 से लेकर $5,000 में कंपनी बन जाएगा। लोकल लॉ फर्म, लोकल लॉयर आपको मदद करेगा कंपनी फॉर्मेशन के लिए। और अगर आप खुद जाओगे जाम्बिया तो $500 से $1,000 में कंपनी बन सकता है, अगर खुद जाके आप सर्च करोगे, कोई अगर लोकल लॉयर मिलेगा जो आपको हेल्प करेगा कंपनी फॉर्मेशन करने के लिए, विदाउट एनी ऑफिस, विदाउट एनी दुकान, रजिस्ट्रेशन के बिना, लीज एग्रीमेंट के बिना कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, आपको ये कंपलसरी है। तो डिटेल्स बता दिया आपको,
PLC कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको $5,000 से 15,000 खर्चा आ जाएगा। लोकल लॉ फर्म को हेल्प करेगा या कोई फॉरेन लॉ फर्म आपको रजिस्ट्रेशन के लिए मदद कर सकता है। ठीक है, तो डिटेल्स आपको बता दिया। अगर आपको जाम्बिया में कंपनी रजिस्ट्रेशन करना है तो आप कोई भी लॉ फर्म को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गूगल में सर्च कर दिए करिए लॉ फर्म ऑफ जाम्बिया, लिस्ट ऑफ लॉ फर्म ऑफ जाम्बिया, तो जो लॉ फर्म आपको कॉन्टैक्ट में मिलेंगे ईमेल में गूगल में मिलेंगे, उनको ईमेल के द्वारा कॉन्टैक्ट करिए कि जाम्बिया में आप कंपनी फॉर्मेशन करना चाहते हैं, वो आपको मदद करेंगे। जो आपको कंपनी फॉर्मेशन के लिए जो प्रोसीजर बता दिया सेम भी बताएंगे। आप प्राइस जो होता है कंपनी फॉर्मेशन के लिए उनका जो फीस और गवर्नमेंट फीस टोटल आप उनके साथ नेगोशिएट करके आप कंपनी बना सकते हो इन जाम्बिया, या आप हमारा कंपनी का मदद ले सकते हैं, हम आपको मदद करेंगे जाम्बिया में कंपनी फॉर्मेशन, जाम्बिया में आपका फैक्ट्री सेटअप, जाम्बिया में किसी टाइप का कोई भी टाइप का कंपनी स्टार्ट करने चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट करिए, हम आपको मदद करेंगे कैसे आप जाम्बिया में खुद का कंपनी स्टार्ट करके वहाँ सेटल हो गए। तो डिटेल्स आपको बता दिया कैसे आप जाम्बिया में कंपनी फॉर्मेशन करेंगे, कितने टाइप का कंपनी बनती है, पूरा डिटेल्स बता दिया। अगर जाम्बिया में कंपनी बनाना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या कोई भी लॉ फर्म्स इन जाम्बिया में कॉन्टैक्ट करके कंपनी स्टार्ट करके रेसिडेंसी वीज़ा लेकर वहाँ पर बस सकते हैं, वहाँ लॉन्ग टर्म के लिए रहकर बिजनेस ऑपरेट कर सकते हैं। तो डिटेल्स आपको बता दिया जाम्बिया में कैसे आप कंपनी बनाओगे। आशा करते हैं हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले काफ़ी सारे वीडियो का इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए ला सकूँ। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।